नमस्कार बंधु माने, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जाना होची केमिस्ट्री विथ बिस्वाल आउ मो ना होची शुभम रंजन बिस्वाल। आज ही आपण पई गोटे नुआ चैप्टर मु नेके आछि आउ सेटा एक्चुअली 11 12 रो छुआ मानको बहुत इंपोर्टेंट। से चैप्टर ना होची कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक अछि। तो दिस विल बी पार्ट 1, हमर एटा पार्ट 1 होची वीडियो रो। आउ ए वीडियो रे हमें पूरा का पूरा ये करिवा कंप्लीट करिवा वर्नर्स थ्योरी आउ तो टर्म्स इनवॉल्व। तो बेसिकली हमर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रे किछ किछ टर्म्स अछि जो गुडा को हमें यूज करू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन करिया पई। तो हमें से सब टर्म्स गुडा को ध्यान से पढ़िबा, ओके। ते ता अगरु हमें देखि दबा कि हमर टेबल ऑफ कंटेंट को। तो हमर टेबल ऑफ कंटेंट रे सब आगे हमें देखिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रो रीजन कोन कोन पई ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गुडा बने, ओके। सेकेंड हमें देखिया वर्नर्स थियरी, हमर जो वर्नर थिला डॉक्टर वर्नर सी कौन एक्सपेरिमेंट करथले और तंकर कौन कौन पोस्टुलेट्स थिला, तो से सब बारे में हमें पढ़िबा। तापर हमें देखिबा टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑब्वियसली जो जो टर्म्स गुड़ा हमें यूज करती। और सब लास्ट रे हमें डिफरेंट लाइगेंड्स आउ तार डेंटिसिटी बारे में पढ़िबा। तो डेंटिसिटी कौन हुए सब हमें आगे देखिबा। चलो आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो, लेट्स गो। तो सब लेट्स सी कि हमर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पछे रीजन कौन। हमर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आसे कंपाउंड जो बने तंकर मेन जो रीजन होची दैट इज दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट जोटा लाल रे देखा जाउछ अपन मानको से तंको हमें कौन को ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स आउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो एई मानको भितरे बहुत सारा अलग अलग प्रॉपर्टीज अछि कपई कि तंको पखरे वेकेंट डी ऑर्बिटल अछि आउ केते कौन अछि। तो को पई ए सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दियंती तार रीजन चला हमें व्हाइट बोर्ड रे जाके देखिबा। तो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड आउ देखिबा ता पछे गोटे रीजन कौन, ओके। ओके, सो आमे पढ़ुचंदी अबाउट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आउ आमे भी बुझीबा कि ए जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होची मेटल आउ लाइगेन भितरे सेटा कोपे होची, ओके। आउ सेटा मेनली आमको देखा जाए कोथरा आमे भी देखिले जस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द ट्रांजिशन मेटल्स। तो एटी आम सामना रे 3D मेटल सीरीज अछि, स्कैंडियम, टिटियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक अछि। तो गोटे करके आमे गोटे काम करबा तांकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिबा आउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पर जानिबा कि को पई एटा होउछि, ठीक अछि। तो फॉर एग्जांपल स्कैंडियम इट इज 4s2 3d1, टाइटेनियम 4s2 3d2, सिमिलरली एटा कोन हबो 4s2 3d3, क्रोमियम एटा टिके कौन हुए हाफ फील्ड स्टेबिलिटी नबो इट विल बी 4s1 3d5, ओके। चेंज ता देखिबो सब जगह रे 4s2 और 3d3 4s1 आसीबो। मैंगनीज 4s2 3d5, देखो 3d5 3d5 सेम है गला। आयरन 4s2 3d6, कोबाल्ट 4s2 3d7, निकल 4s2 3d8 और कॉपर देखो आउ सर जब क्रोमियम रो अछि सेमिति ही हम कॉपर रो भी होए चेक करिवो दैट इज 3d10 फुलफिल स्टेबिलिटी 80 फुलफिल स्टेबिलिटी 80 बटे हाफ फिल स्टेबिलिटी। फाइनली जिंक दैट इज 4s2 3d10, ठीक अछि, ओके। एठी नोटिस एटा करियर अछि कि सब जगह रे हमर वेकेंट डी ऑर्बिटल अछि, कोन अछि, वी हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल। ए वेकेंट डी ऑर्बिटल जदि म गोटे बनेबी फॉर एग्जांपल चलो म कार बनाउ छी एटा देखिबा, ठीक अछि। फॉर एग्जांपल चलो हमें आयरन रो बनेबा Fe, ठीक अछि। तो Fe रो केतरा डी ऑर्बिटल रे केतरा अछि 6टा इलेक्ट्रॉन, 6टा इलेक्ट्रॉन माने 1 2 3 4 5 एंड 6, किंतु देखो ए बाकी 4टा जक अनपेयर्ड रह गेले, राइट, अनपेयर्ड रह गेले माने एडी खाली जगह अछि। एई खाली जगह रे हमर जो लाइगेंड अछि हमर लाइगेंड कोन दे परिबो इलेक्ट्रॉन पेयर दे परिबो, तारो लोन पेयर जो अछि तारो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करि परिबो। आ एई डोनेशन पई हमर बनि जाए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोन बने
coordination bond. आउ ए coordination bond ऊपर ही पूरा का पूरा हमारा coordination chemistry depend करे. Okay? The bond between ligand आउ metal. Metal रो जो vacant d orbital अच्छी ता संगरे ए जो ligand जो electron donate करी वो one important thing. सबु बड़े आमे देखु थिले कि metal electron donate करे किंतु ए ठी कौन पाए कि ता पकरे already खाली जगह अच्छी ए कंडीशन रे आमर जो मेटल आमर ए जो मेटल एटा होची एक्सेप्टर एटा होची आमर एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिवो इट इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एट द सेम टाइम लाइगेंड जोटा आगरो आमर जो हैलोजन वगैरह से सब काम करंती इलेक्ट्रॉन नियंती फॉर द फर्स्ट टाइम दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स ए माने इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवे कौन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुटे पेयर माने दीटा इलेक्ट्रॉन एक संगरे दीटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवे एटा केमिति हुए तार पूरा प्रोसेस हमें आगर पड़ेगा. ओके लेट्स गो. चलो नेक्स्ट हमें जीबा टुवर्ड्स वर्नर्स एक्सपेरिमेंट. वर्नर कौन एक्सपेरिमेंट करथिले आ कौन पोस्टुलेट देथिले सेटा में देखला. तो वर्नर सबटु आगो काम करथिले ए कंपाउंड को नेथिले व्हिच इज आर कोबाल्ट क्लोराइड ठीक अछि COCl3. एबे अंक संगरे से कौन करथिले ए कंपाउंड संगरे से करथिले एक्सपेरिमेंट जोतरे से कौन नेथिले NH3 अमोनिया नेथिले आ अमोनिया संगरे से जो अमोनिया संगरे रिएक्शन करथिले ता संगरे से नेथिले एक्सेस ऑफ AgNO3 अमरो कौन सेटा होची सिल्वर नाइट्रेट. अब सिल्वर नाइट्रेट कपाई नेथिले कपाई की हम सिल्वर नाइट्रेट इज वेरी गुड इन प्रेसिपिटेटिंग आउट हैलोजन. हैलोजन को रिएक्शन रु काढिया पई अमरो जो AgNO3 बहुत बढ़िया रे काम करे. तो अंकर टोटल तीन टा वे थिला सबटु आगो से यूज करले 6टा अमोनिया रो मॉलिक्यूल्स पकेले. तो 6टा अमोनिया रो जबे मॉलिक्यूल्स पकेले ए जो कोबाल्ट अछि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाओ एक संग रे ये टोटल 6टा ही नहीं परिवो 6टा ही जगह ता पकर अछि सेति की लाइगेंड ता पकर लागी परिवे. तो जबे हम 6टा अमोनिया सेतरे पकेबा तो ये पूरा का पूरा 6टा जगह सेतरे लागी जेबे कोबाल्ट संग रे आउ हमर जो AgNO3 केतडा काड दबो क्लोराइड तीनटा क्लोराइड देखो AgCl तीनटा काढ़ देला. ओके सेमिति ही जब हमें पांचटा नबा हमें जब पांचटा नबा तो कौन हबो टोटल पांचटा जगह सेम नै नेबे आउ गोटे जगह के नबो हमर क्लोराइड ही नबो है ना हमर क्लोराइड नबो आउ ता संग रे केत कौन भारिबो आउ गोटे दीटा AgCl भार जीवो दीटा. ओके सिमिलरली थर्ड हमें नबा चारटा अमोनिया ग्रुप आ जब चारटा अमोनिया ग्रुप नबा तबे चारटा जाको लागि जिवे आ ता संगे केतरा सीएल थिवे दीटा को टोटल छटा जगह अछि राइट. तो आ तार कलर देखो ग्रीन कलर. ओके आ ता संगे केतरे भारीबो सीएल गोटे सीएल भारीबो है ना AgCl बेरे. तो एबे तो मैं इतरे कोन नोटिस करू छ एस कि कोबाल्ट संगे टोटल छटा चिन्ह लागि परिबो. फर्स्ट रे छटा जाको अमोनिया लागु छि सेकेंड रे पांचटा अमोनिया गोटे क्लोराइड लागुची आउ थर्ड रे चारटा अमोनिया दीटा क्लोराइड लागुची छटा टोटल लागुची. आउ सब जगह रे देखो कलर डिफरेंट आमे जेबे स्टार्टिंग रे नेलु तबे सेटा लाल कलर थिला है ना पिंकिश रेडिश. आउ जेबे आमे फर्स्ट कंपाउंड बनेलु सेटा येलो गोल्डन येलो हेगला. सेकेंड कंपाउंड बनेलु पर्पल वायलेट भलिया हेगला. आउ जो थर्ड बनेलु से ग्रीन हेगला. तो एमिति ही जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रो डिफरेंट कंपाउंड रो अलगा अलगा कलर था. ओके चलो क्विकली देखिबा तो एटा पूरा एक्सपेरिमेंट थिला वर्नर रो से बे कोन कोन पोस्टुलेट देथिले. तो आम वर्नर फर्स्ट पोस्टुलेट ये देथिले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रे टोटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रे मेटल जो अछि से दीटा ये देखाय वैलेंसी देखाय दीटा वैलेंसी. फर्स्ट जो वैलेंसी तार ना होचि प्राइमरी वैलेंसी. तो प्राइमरी वैलेंसी कोन होवे प्राइमरी वैलेंसी रे हमर कैटायन और एनायन मिसि की गोटे कंपाउंड बने छथि जेमिते हम ताको पानी रे डिसॉल्व करिबा से कोन करिबो आयोनाइज हे जीवो है ना. आयोनाइज माने कोन कैटायन और एनायन रे भांगी जीवो. ओके हमर एई तरह जो मेटल रो वैलेंसी अछि ए ए फॉर प्राइमरी वैलेंसी ता एटा को सैटिस्फाई के करे एनायन्स नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन्स क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ए माने समस्ते ताको स्टेबल करंती माने ताको बैलेंस करंती. और फाइनली एई जो नंबर ता एटा जो आसीबो सेटा को हमें को ऑक्सीडेशन नंबर. तो तुम जदी एटी देखिबो हमर कोबाल्ट क्लोराइड जो भांगी जीवो भांगी जदी आयोनाइज कर दबो तले से कोन बनिबो कोबाल्ट 3+ और ता संगे तीनटा क्लोराइड आयन भारी जीवो राइट. तो ता माने जे कोबाल्ट ऊपर जो 3+ आयन ता थिला ताको बैलेंस के करथिला ताको बैलेंस के करिवो क्लोराइड आयन करिवो तीनटा क्लोराइड आयन लागिवो राइट. सेकेंड जो वैलेंसी सेटा होची सेकेंडरी वैलेंसी है ना. सेकेंडरी वैलेंसी एतरे कोन होची फर्स्ट ऑफ ऑल सेटा ब्रेक होबनी आयोनाइज होबनी फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड
ଏଇ ଯୋଉ ଆର ଇଏଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବାଲାନ୍ସ ଏଇଟା ସେଇଟାକୁ କିଏ କିଏ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବ, ଆମର ଆୟନାଇନ୍ସ ବି ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ ନେଗେଟିଭଲି ଚାର୍ଜ, ନହେଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଯେମିତି ଆମୋନିଆ ହେଇଗଲା ୱାଟର ହେଇଗଲା ଏଇମାନେ ବି ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଦିଏ, କୋଅର୍ଡିନେସନ ନମ୍ବର, ସେଇଠି କ'ଣ ଦଉଥିଲା ଅକ୍ସିଡେସନ ନମ୍ବର, ଏଇଠି କ'ଣ ଦବ କୋଅର୍ଡିନେସନ ନମ୍ବର। ଆଉ ଏଇଟା ୟୁଜୁଆଲି ମେଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ ଥାଏ, ତମକୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ CONH3 ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେତେଟା 6ଟା ଲାଗିଛି, ମୁଁ ବାହାରର 3+, ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରେ ଯୋଉ 3+ ଅଛି ତା କଥା କହୁନି, ମୁଁ କାହା କଥା କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ NH3 ଲାଗିଛି ହେ ନା, କୋବାଲ୍ଟ ଟୋଟାଲ କେତେଟା କୋଅର୍ଡିନେସନ ବଣ୍ଡ ବନେଇ ପାରିବ 6ଟା, ଆଉ 6ଟା ଯାକକୁ କିଏ କଭର କରିଛି ଆମୋନିଆ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆୟନ ହେ ନା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆର କୋଅର୍ଡିନେସନ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ 6, ଓକେ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ କୋଅର୍ଡିନେସନ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ସେଇଥିରେ ବି କେତେଟା 6ଟା ହିଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, 2ଟା କ୍ଲୋରାଇଡ ଆଉ 4ଟା ଆମୋନିଆ, ସେଠାରେ ବି ଟୋଟାଲ 6ଟା ହିଁ ଲାଗିଛି, ତ କୋଅର୍ଡିନେସନ ନମ୍ବର କେତେ 6ଟା। ଆଉ ଏଇ କେସ୍ରେ ଦେଖ 4ଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଅଛି ଆଉ 2ଟା କ'ଣ ଅଛି ନେଗେଟିଭଲି ଚାର୍ଜ, ତ ଆମର କ୍ଲୋରାଇଡ କ'ଣ ସେଟା ନେଗେଟିଭଲି ଚାର୍ଜ ଆଉ ଆମୋନିଆ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। ଦେଖ 2ଟା କ୍ଲୋରାଇଡ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସେ ବାହାରେ ଯୋଉ ଇଏ ଯୋଉ ଚାର୍ଜ ସେଟା ବି ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବି ନେଗେଟିଭ ଆୟନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ଏଇ ଦେଖ ଏଇଠି +3 ଚାର୍ଜ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବାହାରେ ଯୋଉଟା ସେଟା ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଚାର୍ଜ, ଆଉ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ସେଟା ହଉଛି ଆମର ବାହାରେ ଯୋଉଟା ସେଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ବାଲାନ୍ସି, ଭିତରେ ଯୋଉଟା ସେଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବାଲାନ୍ସି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏହା କି ଯୋଉ ଆୟନ ଆଉ ଗ୍ରୁପ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବ ବାଲାନ୍ସି ସାଙ୍ଗରେ, ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବାଲାନ୍ସିରେ ଯୋଉ ଭିତରେ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ଯେବେ ସ୍ପେସରେ ତମେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନରେ ସେ ଲାଗନ୍ତି ମେଟାଲ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ସେଇ ଡିଜାଇନଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଜିଓମେଟ୍ରି, କ'ଣ କହୁ ଜିଓମେଟ୍ରି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ଦେଖ ଯୋଉ କେତେ 3ଟା ଟାଇପ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା ବହୁତ କମନ, ଅକ୍ଟାହେଡ୍ରାଲ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରାଲ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲେନର, ଆ ବାରେରେ ଆମେ ଆଗରେ ଭିଡିଓରେ ପଢ଼ିବା, ଟେନସନ୍ ନିଅ ନା, ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆରାମସେ ବୁଝିକି ନିଅ, ଓକେ। ଚଲ ଆଗକୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଟର୍ମସ, ଆମର କୋଅର୍ଡିନେସନ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଟର୍ମସ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଓକେ। ସୋ ଭାବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କୋଅର୍ଡିନେସନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କୋଅର୍ଡିନେସନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ସେଥିରେ କେତେଟା ଆମୋନିଆ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆମୋନିଆ ଲାଗିଛି 6ଟା, ଆଉ ବାହାରେ 3+ ଚାର୍ଜ ଆସେ, ସେ 3+ ଚାର୍ଜ କୁ କିଏ ବାଲାନ୍ସ କରିଛି, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲୋରାଇଡ ଆୟନ, 3ଟା କ୍ଲୋରାଇଡ ଅଛନ୍ତି, ରାଇଟ CL3, ଓକେ। ଯଦି ଏଇଟା ଆମର କୋଅର୍ଡିନେସନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଟର୍ମ ଅଛି। ସବୁଠୁ ଆଗ ଏଇ ଯୋଉ କୋବାଲ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି CO, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ ୟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେଟାଲ ଆଟମ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରେ, ସିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏକ୍ସେପ୍ଟର, ସିଏ ନା ଲାଇଗେଣ୍ଡ ଯୋଉ ତା ଆଖ ପାଖ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କଠୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନିଏ, କାହାକୁ ଦବନି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନବ। ଜଷ୍ଟ ତମକୁ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡରେ ବୁଝେଇଥିଲି ଏଇ କେସ୍ରେ ମେଟାଲ କ'ଣ କରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନିଏ ଦିଏ ନା, ଓକେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଲାଗିଛି NH3 6 ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଲାଇଗେଣ୍ଡ, ସେଟାକୁ ଲାଇଗେଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଇଟା ସେଇ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଯିଏ ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପେୟାର ଦିଏ ହେ ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପେୟାର ଡୋନର୍ସ ଯିଏ ମେଟାଲ ଆଟମକୁ ଡୋନେଟ କରେ, ଆଉ ଆଙ୍କର ହିଁ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଜିଓମେଟ୍ରି, ମାନେ ଅଛି ନା, ଓକେ। ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରେ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯୋଉ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ ଅଛି, ସେ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ ବାହାର ଇଏ ଯୋଉ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁ କୋଅର୍ଡିନେସନ ସ୍ଫିୟର, ଓକେ। ଯୋଉ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁ କୋଅର୍ଡିନେସନ ସ୍ଫିୟର, ମାନେ ତା ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେଟାଲ ଆଟମ ଆଉ ଆମର ଲାଇଗାଣ୍ଡ, ତ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁ କୋଅର୍ଡିନେସନ ସ୍ଫିୟର, ଓକେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଥିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଏଣ୍ଟିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତିକି ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ଥିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଏଣ୍ଟିଟି, ଓକେ। ତାରପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ 6 ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ, ଆଚ୍ଛା କ୍ଲୋରାଇଡ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲୋରାଇଡ ଆୟନ ଅଛି ଏଇ କ୍ଲୋରାଇଡ ଆୟନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଆୟନ ହେ ନା, ଏଇଟା କୋଅର୍ଡିନେସନ ଆୟନ। ତ ବେସିକାଲି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ପୁରା କା ପୁରା ଯୋଉ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ ଉପରେ ଯୋଉ ଚାର୍ଜ ଥିବ ସେ ଚାର୍ଜ କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି, ଓକେ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି। ତ ଆମର ପଜିଟିଭ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯେ କାଉଣ୍ଟର ଆୟନ ସେଟା ପଜିଟିଭ ବି ହେଇପାରେ ନେଗେଟିଭ ବି ହେଇପାରେ, ଏଇ କେସ୍ରେ ନେଗେଟିଭ ଆୟନ ଅଛି, ଆଗକୁ ତମେ ଦେଖିବ ପଜିଟିଭ ଆୟନ ଥିବ, ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ 6 ଦେଖାଯାଉଛି NH3 ପରେ ଯୋଉ 6 ଦେଖାଯାଉଛି ଏ 6ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ ନମ୍ବର, ନମ୍ବର କୋଅର୍ଡିନେସନ ନମ୍ବର କ'ଣ, ନମ୍ବର ଅଫ ଲାଇଗେଣ୍ଡ ଯେତିକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେଟାଲ ଆଟମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥିବେ, ଓକେ। ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉ ଜିଓମେଟ୍ରିରେ ଯେତିକି ଲାଇଗେଣ୍ଡ ଲାଗିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ କୋଅର୍ଡିନେସନ ନମ୍ବର, କୋଅର୍ଡିନେସନ ଏଣ୍ଟିଟିଜ ଆଉ କୋଅର୍ଡିନେସନ
नंबर माने रखिबो जो क्लोराइड एंड बाहर अछि ब्लू कलर रे सेटा केबी भी मेटल संगरे डायरेक्टली कनेक्टेड नै ओके मेटल संगरे डायरेक्टली कनेक्टेड नै डायरेक्टली कनेक्टेड की अछि ए जो छटा अमोनिया एटम्स ठीक अछि तो अमोनिया रे जो मॉलिक्यूल्स एही गुडा कोन होछि कोऑर्डिनेशन नंबर ओके आउ ए जो अरेंजमेंट थिबो ए मानकर सेटा को हम कोन को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन ओके जे जो ऑक्टाहेड्रल थिबो कि टेट्राहेड्रल थिबो कि स्क्वायर प्लेनर थिबो सेही अरेंजमेंट को से जो ज्योमेट्री को हम को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन अच्छा आ गोटे जिनस ए जो ये अछि जो आप कोबाल्ट ऊपर जो चार्ज थिबो सेंट्रल मेटल ऊपर जो चार्ज थिबो सेटा को हम को तार ऑक्सीडेशन नंबर तो जदी मो क्लोराइड को काढ़ी देबी क्लोराइड को काढ़ी देले तार चार्ज कोन हिबो प्लस 3 है ना प्लस 3 माने कोन प्राइमरी वैलेंसी हम एबे देखितले प्राइमरी वैलेंसी से प्राइमरी वैलेंसी केते आसीबो प्लस 3 आउ ताकु बैलेंस के करूची हमरो काउंटर आयंस ओके अच्छा एटी गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस ए कि होमोलेप्टिक गोटे थाए हेटेरोलेप्टिक गोटे थाए होमोलेप्टिक माने जति की लाइगेंड लागी चंती सबु का सबु सेम फॉर एग्जांपल NH3 केतरा 6टा जाको सबु का सबु NH3 ओनली सब 6टा जाको सेम तो ताको हमें कहें कहबो होमोलेप्टिक जदि गोटे भी से इतरो डिफरेंट हे गला ताले हमें ताको कहें कहबो हेटेरोलेप्टिक फॉर एग्जांपल ए जो NH3 6टा छि बाबा मु गोटे ये गोटे NH3 काढ़ी के से आ गोटे CL लगे दे तो ताले से कंपाउंड ता कोन हिजबो हेटेरोलेप्टिक ओके ए सबु डिस्कशन भितरे गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस दोटा मने रखियार छि सेटा की हमर जो काउंटर आयन काउंटर आयन कोठी भी काउंट हुए ना ताकु हमें कोऑर्डिनेशन नंबर रे काउंट करिवो ना ताकु कोऑर्डिनेशन स्फीयर रे काउंट करिवो ना ताकु लाइगेंड रे काउंट करिवो हमें कोथरे भी काउंट करिवो सीए खाली सेठी कॉपी अछि हमर जो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर ताकु बैलेंस करिया पाई अछि ता अलावा तारो आ किछि रोल नाही ओके नेक्स्ट नेक्स्ट हमें जीवा तो एडी मो तमा पाई गोटे छोटिया ये बनै छी डायग्राम टे बनै छी तमे देखिबा जो फर्स्ट कंपाउंड दैट इज COCN6 CL3 सेटा होची हमर कैटायनिक स्फीयर माने ता ऊपर जदी मो क्लोराइड आयन काढ़ी देबी ताले ता ऊपर कोन लागि जीवा पॉजिटिव प्लस देखो तमको देखौ छी एट जदी मो ए एटा को काढ़ी देली एटा को तो एटी कोन आसीबा प्लस 3 चार्ज आसीबा राइट तो दैट मींस हमर ए स्फीयर टा कोन हे जीवा कैटायन हे जीवा सिमिलरली जदि मु ए K2 टा को काढी देबी ताले एटी कोन आसीबो -2 चार्ज आसीबो 2 माइनस चार्ज माने मोर ए ए एटा कोन हे जीवो एटा बन जीवो एनायनिक कोन बन जीवो एनायनिक बुझिले ओके तो हमर ए जो स्क्वायर ब्रैकेट सेटा होची कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो भितरे अछि सेटा दिए कोऑर्डिनेशन नंबर बाहर जोटा अछि सको हमें काउंटर आयंस और काउंटर आयंस काको ये करंती कंप्लीट हम ऑक्सीडेशन नंबर को तब सेंट्रल मेटल एटम जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सिमिलरली लाइगेंड जो था से इलेक्ट्रॉन डोनर और सेंट्रल एटम और लाइगेंड दी जना को मिसे देले हमर कौन बन जाए कोऑर्डिनेशन एंटिटी और रिमेंबर हमर ए जो ये काउंटर आयन ये कोटी भी काउंट हेबे तो आरो गोटे स्क्रीनशॉट नै नियो बहुत इंपोर्टेंट आपन को पई बहुत काम को आसीबा आगो को ओके चलो आगो को जीवा तो नेक्स्ट आमे पढ़ीबा आम लाइगेंड्स बारे आउ डेंटिसिटी बारे लाइगेंड्स माने किए जे आसे कि मेटल एटम संगे डायरेक्टली कनेक्ट करंती केमिति कनेक्ट करंती इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करकी जे डायरेक्टली कनेक्ट करंती ताको आमे कोन कहिबू लाइगेंड्स ठीक अछि तो आम लाइगेंड्स तो लाइगेंड्स रो डेंटिसिटी रे डेंटिसिटी माने कोन गोटे पर्टिकुलर लाइगेंड रे केतटा हात अछि डोनेट करिया पे बुझि परिलो जेंति फॉर एग्जांपल मु जदी गोटे लाइगेंड मो पाखरे दीटा हात अछि है ना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो सेमिति गोटे पर्टिकुलर एलिमेंट पाखे गोटे पर्टिकुलर लाइगेंड पाखे केतटा हाथ अछि डोनेट करिया को से नंबरटा होची तारो डेंटिसिटी ठीक अछि द नंबर ऑफ साइड्स प्रेजेंट इन द लाइगेंड व्हिच कैन बाइंड टू द सेंट्रल मेटल एटम बाय डोनेटिंग ठीक अछि तो जति की हाथ सेति की तारो डेंटिसिटी तो टोटल चारिटा टाइप ऑफ डेंटिसिटी अछि सबटु फर्स्ट होची यूनिडेंटेड यूनि माने वन है ना यूनि माने गोटे तो जे जा पाखरे गोटे ही हात अछि डोनेट करिया पई ताको हमें कहबो यूनिडेंटेट ठीक अछि लाइगेंड्स व्हिच आर सिंगल डोनर साइट एग्जांपल कोन हेगला क्लोराइड H2O ए सब हेगला ओके ए माने गोटे ही हात रे डोनेट करंती सेकंड ए जाउछि जे आ पाखरे केतरा हात थिबो दीटा हात एंड दैट इज कॉल्ड बाइडेंटेट ठीक अछि तो बाइडेंटेट रे कोन दीटा हात अछि दीटा हात रे से डोनेट करंती आ एटा कर हमरा बेस्ट एग्जांपल अछि ऑक्सालेट आयन नॉले होची इथिलीन डायमाइन आयन तो ए जो ये गुडा अछि लाइगेंड गुडा ए माने को देखि कंफ्यूज होना मु एबे आपन को वीडियो रे ए एंड रही
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଦେଖେଇବି କି କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି। ଓକେ, ବାଇଡେଣ୍ଟେଟ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପଲିଡେଣ୍ଟେଟ୍। ତ ଦୁଇଟା ଉପରେ ଯେତିକି ଥିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ପଲିଡେଣ୍ଟେଟ୍। ଠିକ ଅଛି, ପଲିଡେଣ୍ଟେଟ୍। ତ ପଲିଡେଣ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଦୁଇଟା ହାତରୁ ବି ବେଶୀ, ପାଞ୍ଚଟା, ଛଅଟା, ଚାରିଟା, ଯେତିକି ବି ହାତ ରହିବ ସେତିକି ତାର ପଲିଡେଣ୍ଟେଟ୍। ତାର ଆର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଇଡିଟିଏ। ଇଡିଟିଏ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଇଥିଲିନ୍ ଡାଇଆମାଇନ୍ ଟେଟ୍ରା ଆସେଟିକ୍ ଆସିଡ୍। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଆର ବି ଡାଇଗ୍ରାମ, ଆର ବି ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଏଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାଁ ଦେଖି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନା ବିଲକୁଲ ବି, ବହୁତ ଇଜି। ଠିକ ଅଛି, ବିଲକୁଲ ଟେନସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ମୁଁ ଅଛି ନା ଏଠି। ଓକେ, ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ହଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଆମ୍ବିଡେଣ୍ଟେଡ। କ'ଣ କହୁ? ଆମ୍ବିଡେଣ୍ଟେଡ। ତ ଆମ୍ବି ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଦି ଟାଇପ୍ ରେ, ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମ୍ଫିବିଅନ୍ସ। ଆମ୍ଫିବିଅନ୍ସ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ପାଣିରେ ବି ରହିପାରନ୍ତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ରହିପାରନ୍ତି। ସେମିତି ଆମ୍ବିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ଦବ ତ ଗୋଟେ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ହାତ ଅଛି ଦେବାକୁ। ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦିଟା ତିନିଟା ହାତ ଅଛି ତା ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଟ୍ ଅ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଦେଇପାରିବ। ଥରକାରେ ସେ ଲେଫ୍ଟ ଦବ, ଲେଫ୍ଟ ହାତରୁ ଦବ, ନହେଲେ ରାଇଟ୍ ହାତରୁ ଦବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ହାତରୁ ହିଁ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବ। ଆର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହଉଛି NO2 ଆଉ HCl। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇବା ଆଉ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଦେଖିବା କି କେମିତି ହୁଏ ମାନଙ୍କର ଡୋନେସନ। ଠିକ ଅଛି, ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟୁ ଦ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ, ଆଉ ଏଇ ଡେଣ୍ଟିସିଟି ବାରେ ଆମେ ପଢିବା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଓକେ, ସୋ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଅବାଉଟ୍ ଦ ଲାଇଗେଣ୍ଡ୍ସ। ଚାରିଟା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଗେଣ୍ଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ୟୁନିଡେଣ୍ଟେଡ୍, ବାଇଡେଣ୍ଟେଡ୍, ପଲିଡେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଉ ଆମ୍ବିଡେଣ୍ଟେଡ୍, ରାଇଟ୍? ଚାରିଟା ଟାଇପ୍ ର ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପଢିଲେ। ଚଲୋ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଟିକେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ସବୁଠୁ ଆଗ ଆମ ପାଖରେ କୋଉ ଟାଇପ୍ ଅଛି? ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିଡେଣ୍ଟେଡ୍, ହେଲା। ୟୁନିଡେଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ କେତେ? ଗୋଟେ ଡୋନର ଆଟମ୍, ଗୋଟେ ଡୋନର ଆଟମ୍। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, କ୍ଲୋରିନ୍, ହେଲା। ତାର ପାଖରେ ଅଛି, ସେ କଣ କରିବ? ତାର ଲୋନ୍ ପେୟର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବ। ସିମିଲାରଲି ଆଉ କଣ? ବ୍ରୋମିନ୍, ହେଲା, ବ୍ରୋମିନ୍ ହେଇଗଲା, ସାଇନାଇଡ୍, NH3, ଏଠି ଦିଟା ଅଛି ଦେଖ, ଏଗୁଡା ଡୋନେଟ୍ ହେଇପାରିବ, ରାଇଟ୍? ଏଗୁଡା କଣ? ଗୋଟେ ଡୋନର ଆଟମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ୟୁନିଡେଣ୍ଟେଟ୍, ୟୁନି ମାନେ ୱାନ୍। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଚଲୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ତା ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଆମର ହଉଛି ବାଇଡେଣ୍ଟେଟ୍। କଣ ହଉଛି? ବାଇଡେଣ୍ଟେଟ୍। ବାଇଡେଣ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ କେତେଟା? ଦିଟା ଡୋନର ଆଟମ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଦିଟା ଡୋନର ଆଟମ୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଦି ପଟୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବେ, ରାଇଟ୍? ତ କେତେଟା କୋଡିନେସନ ବଣ୍ଡ କେତେ ହେଇଯିବ? ଦିଟା କୋଡିନେସନ ବଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ରାଇଟ୍? ଓକେ, କେମିତି ଦେଖିବା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ହଉଛି C2O4 2-, ଆମର ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ଆୟନ୍। କେମିତି ଥାଏ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖ, ତ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଅଛି, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଓ, ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଓ, ଓକେ, ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଓ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଓ, ଆଉ ଏଇଠି କଣ ଅଛି? ଆମର ନେଗେଟିଭ ଆୟନ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ ଆୟନ ଏପଟେ ବି ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଦି ଜଣ କଣ କରିବେ? ଡୋନେଟ୍ କରିବେ ଟୁୱାର୍ଡସ ଆୱର ମେଟାଲ, ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା ଅକ୍ସାଲେଟ। ଓକେ, ସେମିତି ହିଁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି, ଦିସ ଇଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଇଥାଇଲିନ ଡାଇ ଆମାଇନ। ଇଥିଲିନ ଡାଇ ଆମାଇନ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖୁ? ଇଏନ, ଦେଖିଛ ନା? ଇଏନ କେମିତି ହୁଏ ଦେଖ ଧ୍ୟାନସେ। ଇଥିଲିନ ଡାଇ ଆମାଇନ, ଇଥିଲିନ ମାନେ CH2 CH2, ଓକେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଥିବ NH2, ଆଉ ଏଇଠି ଥିବ କଣ? NH2। ଏ ଦେଖ, ଇଏ ଡୋନେଟ୍ କରିବ, ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ଅଛି ଇଏ ଡୋନେଟ୍ କରିବ, ଆଉ ଏପଟେ ବି ଆମର ଯୋଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି ଇଏ ଡୋନେଟ୍ କରିବ, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ମେଟାଲ ଆଟମ୍ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖ ଇଥିଲିନ ଡାଇ ଆମାଇନ କଣ କରୁଛି? ଦି ସାଇଡ ରୁ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛି ଟୁ ଆର ପର୍ଟିକୁଲାର ମେଟାଲ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ହେଇଗଲେ ବାଇଡେଣ୍ଟେଟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପଲିଡେଣ୍ଟେଟ। ପଲିଡେଣ୍ଟେଟ ଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, ତାର ଯାହା ହଉଛି ଇଡିଟିଏ ନା, ଆଉ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ତ କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ହଉଛି? ଆମର ହଉଛି ପଲିଡେଣ୍ଟେଟ। ପଲିଡେଣ୍ଟେଟ ମାନେ ମୋର ଦେନ୍ ଟୁ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଜଷ୍ଟ ସେ ମୋର ଦେନ୍ ଟୁ, ଦିଟାରୁ ବେଶୀ ମାନେ ଆମେ ପଲିଡେଣ୍ଟେଟ କହିବା। ତାର ବହୁତ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଇଡିଟିଏ। ଇଡିଟିଏ କଣ ହୁଏ? ଇଡିଟିଏ ଇଜ୍ ଇଥାଇଲିନ ଡାଇ ଆମାଇନ ଟେଟ୍ରା ଆସେଟିକ ଆସିଡ୍। ଇଥିଲିନ ଡାଇ ଆମାଇନ
टेट्रा एसिटिक एसिड। तो इथिलीन डायामाइन हमको जाना है जी, हमारा एटा है गला इथिलीन, राइट, और एटा है गला डायामाइन। हमें जस्ट आग्रह ही हमें बने थे इथिलीन डायामाइन ता सके टेट्रा एसिटिक एसिड अछि। तो हमें कौन करिवा ए जो H2 अछि ना, ए H2 टा बाहर जीवो एटु, और ता संग रे एटी हमरो लागि जीवो ये कौन कौनती हमरो एसिटिक एसिड लागि जीवो। ओके एटी बटे नेगेटिव, सिमिलरली एटी CH2 C डबल बॉन्ड O, एटी आउ बटे नेगेटिव, सिमिलरली ए बी एच बाहर जीवो एटु, और एटी कौन लागिवो C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, आउ एटी गुटे आउ O जो थरे बडे नेगेटिव चार्ज, आउ आउ गुटे लागिवो CH2 C डबल बॉन्ड O, आउ आउ गुटे नेगेटिव। तो जदी मो पाखरे एटी कोटी गुटे मेटल अछि, ओके एटी मो पाखरे गुटे मेटल अछि, देखो को टू इलेक्ट्रॉन आसीबो ध्यान से देखो, गुटे तो ए आ पाखरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दे दबो, एटी गुटे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दे दबो, एटी गुटे देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी दबो, एटी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी दबो, सिमिलरली हमर एटी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दबो, आ एटी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी दबो। तो टोटल केतरा आछ देखो हम पकरे 6 टा आसुची, तो दैट मींस हमर एक्चुअली एडीटीए इज हेक्साडेंटेट, कोन कोनती एटाकु हेक्साडेंटेट। ओके अब फाइनली हमर आई होप एटा बुझी आसला, जरा देखिबो ये को कोन कोन डायग्राम को टू कोन आसीला है ना, H2 बाहर की हम पकर तीन चारटा कोन लागिला एसिटिक एसिड रो ग्रुप लाग गला, ठीक अछि। ओके चलो लास्ट टाइप हमर जो ये रे अछि कोन कोन ती हम लाइगेंड रे अछि, दैट इज वेरी यूनिक, और ता ना होची एम्बिडेंटेट, एम्बिडेंटेट। तो एटा माने कोन एम्बिडेंटेट रे कोन अछि, दीटा अलगा अलगा टाइप रो तांका पखरे डोनर एटम अछंती, किंतु एट अ टाइम गोटे ही डोनेट करिवो, ओके या तो राइट हैंड डोनेट करिवो नॉले लेफ्ट हैंड डोनेट करिवो, दीटा एक एक संगे डोनेट करिवे नी, ठीक अछि। मो पखरे राइट हैंड भी अछि जोतरे मु किछि देई परिबी, लेफ्ट हैंड भी अछि जोतरे मु देई परिबी, तो मु एक संगे दीटा हाथ रे देबी नी, मु जस्ट गोटे हाथ रे देबी। तार सबड बढ़िया एग्जांपल होछि आम पखरे थायोसल्फेट, हमर जो HCN माइनस, ओके थायोसाइनाइड, ठीक अछि थायोसल्फेट नै थायोसाइनाइड, एनो थायोसाइनाइड अछि, ये कोन करिवा आ पकरे एस अछि आ पकरे एन भी अछि, तो एट अ टाइम या तो ये दबो और एल्स ये दबो, और रिमेंबर या तो ये के गोटे ही दबो। सेमिति हम पकरे आ गोटे अछि NO2, NO2 माइनस, NO2 केमिति हबो तार स्ट्रक्चर, NO2 रो स्ट्रक्चर हे गला डबल बॉन्ड ओ और ओ माइनस, ठीक अछि। तो आम पकरे के अछि डोनेट करिया को, आम पकरे आ पकरे भी अछि और आ पकरे भी अछि, तो इधर ये डोनेट करिवो और ये डोनेट करिवो, अगेन और वेरी इंपोर्टेंट, ठीक अछि। तो देखो जो दीटा जको डोनेटर अछन आम पकरे डोनेट करिवा को, किंतु एट अ टाइम गोटे ही के डोनेट करिवो, इधर एन और ओ। सिमिलरली एटी थायोसाइनाइड या तो एस करिवो सल्फर करिवो नॉले नाइट्रोजन करिवो के गोटे करिवो एट अ टाइम, ओके। तो एटा थिला हमर टाइप ऑफ लाइगेंड्स, तो आई होप केना बुझिया आथिबो, किछ डाउट थिले कमेंट सेक्शन रे पचारो। ओके आ गोटे इंपोर्टेंट रो कथा एटा रहिगला कि हमर जो चिलेट लाइगेंड, चिलेट माने कोन, फॉर एग्जांपल जो बायोडेंटेट हेगला पॉलीडेंटेट हेगला, ए माने कोन करंती सबु का सबु हाथ मिसेई कि ए माने गोटे ही मेटल एटम को दियंती, ओके से माने कोन करंती, फॉर एग्जांपल बायोडेंटेट नै नियो दीटा जको डोनर एक संग दीटा डोनेट करिवे, दीटा हाथ रे दीटा जको गोटे ही मेटल को डोनेट करिवे। सिमिलरली एडीटीए, एडीटीए रामे अबे देखिले केतरा थाए 6 टा हाथ थाए, राइट, 6 टा जको गोटे ही मेटल को दे देबे, सो 6 टा जको गोटे मेटल को दे देबे, तो सेतरे कोन होए ए माननकर चिलेट, ए मानन कोन कोती चिलेट लाइगेंड, ओके। आ चिलेशन रे एक्चुअली कोन होए तंकर बेस स्टेबिलिटी बढ़ जाए, से माननकर स्टेबिलिटी बढ़ जाओ, सेति पई आमे चिलेट ए लाइगेंड गुडा चिलेशन करंती, ओके okay? आउ थरे बुझे दउ छी चिलेट लाइगेंड माने कोन, भाव बायोडेंटेट लाइगेंड अछि, ता पकर दीटा डोनर एटम अछि, दीटा साइड डोनेट करिवो, ये गोटे मेटल को ये गोटे मेटल को करि परिवो, किंतु ए दी जण मिसि की गोटे ही मेटल एटम को दे देबे एमिति, ताकि तांकर स्टेबिलिटी बढ़ी जाओ, ओके आउ एमिति लाइगेंड को कोन कोंती चिलेट लाइगेंड्स, ओके चलो आई होप कि आपनको ए सब टॉपिक ता पूरा बुझिया सिथिबो।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्टेइंग बैक। आउ पूरा वीडियोटा को बुझी आपको जदी किछ डाउट थिबो आउ थरे वीडियो को देखो टिके स्लो मोशन रे देखो तो तुमको बुझी आसीबो। किछि भी डाउट थिले कमेंट सेक्शन रे पचारो। आउ जेमिति मु सब बळे कहे ऑल इट टेक्स इज एफर्ट्स, सो प्लीज गिव योर एफर्ट्स आउ आमे रिजल्ट पाइबा है ना। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टिके इंपोर्टेंट टॉपिक आपको टिके बेसी भले रे ध्यान देवे आउ किछि भी डाउट थिले कमेंट रे पचारो। चलो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर केमिस्ट्री विथ विश्वाल। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय।